सभी को नमस्कार, मेरा नाम है मोनू झा। आप देख रहे हैं मोनू के ब्लॉग्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम आए हैं आज रावतपुरा सरकार और अभी मंदिर के हम बाहर ही खड़े हैं। तो चलिए हम आपको मंदिर घुमाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और ये वीडियो कृपया करके पूरा देखिए। और तो ये रावतपुरा का फर्स्ट गेट है और हम गेट के अंदर इंटर कर चुके हैं। और ये है यहाँ का रूम, कार्यालय रूम। तो चलिए हम अभी अंदर चलते हैं। और मंदिर के जैसे ही आप अंदर आओगे तो इस तरीके का व्यू आपको देखने का मिलेगा। और इस साइड में क्या है, ग्राउंड है, यहाँ पे बच्चे वगैरह खेलते रहते हैं और लोग एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं। तो हम अभी चल रहे हैं मंदिर के अंदर। अभी हम आ चुके हैं आस्था मंच और अभी आस्था मंच के अंदर चल के दिखाते हैं। ये हम आ चुके हैं रावतपुरा के आस्था मंच के अंदर। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होती है भागवत कथा जो भी होती है। तो यहाँ पे लोग बैठते हैं इधर से और आप देख रहे होंगे यहाँ पे अभी काम चल रहा है, पोंछा वगैरह चल रहा है। तो हम आ चुके हैं आस्था मंच के बिल्कुल ही करीब में और यहाँ पे जो भी कार्यक्रम चल रहा है वो हम आपको यहीं से दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम अभी आ चुके हैं आस्था मंच पे और रावतपुरा का ये आस्था मंच है। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे तो अभी हम आ चुके हैं और ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये है चरण पादुका महाराज जी के। तो जैसे ही इनके दर्शन करने के बाद यहाँ पर आप चलिए और ये आसन है महाराज जी का। जैसे कि तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये है आस्था मंच। और जैसे कि हमने आपको बताया था तो कुछ इस तरीके का है। और यहाँ पे क्या पुस्तक वगैरह मिलती है महाराज जी से रिलेटेड और महाराज जी की यहाँ पे कहानियाँ वगैरह जो होती हैं तो वो सब यहाँ पे आपको मिल सकती हैं। और आगे आप जैसे ही चलते हैं तो मंदिर का सेकेंड गेट आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरीके का। मंदिर अभी अंदर है तो देखिए ये है सेकेंड गेट और सेकेंड गेट के पास में हम आ चुके हैं। और आपको यहाँ पे दर्शन करवाते हैं जो छोटी छोटी मूर्ति हैं और उनके भी, तो काफ़ी अच्छा आपको देखने को लगेगा। और आप लोगों से बस यही है कि आप लोग यहाँ पे आएँ और दर्शन करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग। और देखिए यहाँ पे बहुत सारी मूर्ति बनी हुई है, नाम बताएंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से देखिए और वहाँ पे इनकी वो क्या है, नेम प्लेट भी लगी हुई है। तो आप पढ़ते जाइए और देखते जाइए। कुछ इस तरीके का मंदिर है और काफ़ी अच्छा मंदिर है। तो अभी हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर और जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये है स्टोर रूम। और इसके छत से हम आपको मंदिर का पूरा व्यू दिखाएंगे। और फिर यहाँ पे बहुत बड़ी एक शिव जी की मूर्ति है तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। लगभग 85 फीट की ऊंचाई है मूर्ति की, तो हम वो भी दिखाएंगे। और आप लोग बने रहें वीडियो में। और हम आ चुके हैं स्टोर रूम के पास में, तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ से काफ़ी हद तक आपको दिख रहा होगा मंदिर। और इस साइड का जो मंदिर आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में, ये है रावतपुरा सरकार का और वो है कृष्ण भगवान का और राम भगवान का, राम राजा सरकार हैं वहाँ पे। और इस तरीके का आपको मंदिर दिख रहा है। और यहाँ पे आप आइए तो आप देख पा रहे होंगे कितने बढ़िया पेड़ पौधे और कितनी अच्छी मतलब साफ़ सफाई है और लोग आ रहे जा रहे हैं। आप यहाँ से देख सकते हो कुछ इस तरीके का है, ठीक है। और आपको हम यहीं से एक मूर्ति भी दिखा देते हैं जो कि यहाँ पे नया निर्माण हुआ है, वो है शंकर जी की। तो आइए हम आपको शंकर जी की मूर्ति भी दिखा देते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वो वीडियो पूरा देखिए। तो
आइए देखिए, यहाँ से जो आपको मूर्ति दिख रही है ये है नया निर्माण और ये नई मूर्ति बनी है, ये है शंकर जी की, भोले बाबा की, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके की मूर्ति बनी है और इसकी ऊंचाई लगभग 57 फीट है। तो चलिए हम आपको नीचे से भी दिखाते हैं और ऊपर से देखने का कुछ ऐसा नज़ारा है। और ये जो आप पीछे देख रहे होंगे ये यहाँ का गाँव है रावतपुरा और कुछ इस तरीके का ये मंदिर है यहाँ पर। और इधर भी आप लोग देखिए तो ये जो क्या है छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, इनमें भी छोटी छोटी मूर्ति रखी हुई हैं भगवान जी की, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। मंदिर के पास हम आ चुके हैं और ये है मंदिर की सीढ़ियाँ, ठीक है। और यहाँ का जो मेन मंदिर है वो है ये कुछ, कितना बढ़िया मंदिर बना हुआ है और काफ़ी अच्छा मंदिर है, आप लोग देख पा रहे होंगे। अच्छा, आते हैं, ये रावतपुरा सरकार और ये हनुमान जी का मंदिर, तो जैसे कि आप लोगों ने दर्शन कर रखे होंगे। और चलिए हम आपको यहाँ का दूसरा मंदिर दिखाते हैं, और दूसरा मंदिर ये है, और चलिए हम आपको दूसरा मंदिर भी दिखाते हैं काफ़ी। और इनके पीछे जो मूर्ति है और वो है हनुमान जी की, जिसकी आप लोग देख सकते हो ये हनुमान जी की मूर्ति है और काफ़ी सुंदर। और रावतपुरा का पुराना मंदिर यही है जो कि काफ़ी टाइम पहले बना हुआ था, और इससे पहले यहाँ पे कोई मंदिर नहीं था, तो यहाँ पे क्या जंगल वगैरह था, तो यहाँ पे मंदिर तो यही था। और ये है दूसरा मंदिर रामलला सरकार का, जहाँ पर राम लक्ष्मण और सीता मैया बैठी हैं। जैसे और चलिए हम आपको मंदिर का परिक्रमा करवाते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा मंदिर। इस मंदिर काफ़ी प्राचीन है और ये पुष्करणी तालाब यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और मछलियाँ दिख रही, मछलियाँ जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है श्रीनिवास मंडप। और ये मंडप किस उद्देश्य से बनाया गया है, और देखने में तो कुछ इस तरीके का लगता है जैसे कि यहाँ पे रामायण या किसी या फिर कथा वगैरह होती होगी, तो यहाँ पे वो मंच है और इस साइड में क्या पब्लिक बैठे, तो उस हिसाब से यहाँ देखने को। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर और ये है भोले बाबा की मूर्ति, और काफ़ी अच्छी मूर्ति है और ये मूर्ति नई बनी है, तो हम इसकी पूरी जानकारी देंगे आपको। और लगभग इसकी ऊंचाई है लगभग 57 फीट ऊंची है, तो हम आपको बताते हैं यहीं से।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।